दो दिन बाद तेरी बारात है, दो दिन बाद अगर बारात नहीं आई तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बातें करेंगे लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? अफशा ऐसा ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती अफशा ऐसा। तुम देखना, मैं उनके घर जाऊंगी ना, मैं घर जाके बात करूंगी, ऐसे थोड़ी रिश्ता तोड़ा जा सकता है। कौशल, मेरी बेटी को झूठी तसल्लियां मत दो। जी अम्मी, हकीकत को अब आप लोग भी कबूल कर लें, मैंने भी कर लिया। तुम्हारा गुनाहगार मैं हूं बेटा। अबीर के जाने के बाद तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे ये घर, ये शहर छोड़ देना चाहिए था। पर या अबीर के यहां आते गला घोट के उसे मार देना चाहिए था। अबीर को मार कर असीयत भरी जिंदगी जीते आप अब्बू, वो भी मुझे गवारा नहीं होता। तेरी बर्बादी तो हो गई है ना? नहीं अब्बू, आप और अम्मी हैं तो मैं आबाद हूं। कुछ बेटियां तो अपने माँ बाप की साये में सारी जिंदगी गुजार देती हैं, मैं भी गुजार दूंगी। आप दोनों की खिदमत करना ही मेरा अजर है, यही मेरी जन्नत है। और वैसे भी बेटा, अल्लाह कभी भी पहला दरवाजा उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक वो दूसरा दरवाजा खोल ना दे। तुम देखना, उसने इंशाल्लाह तुम्हारे लिए ना कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है वो, आप जानते हैं दादी कहती थी कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। दो दिन बाद तेरी बारात है, दो दिन बाद अगर बारात नहीं आई तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बातें करेंगे लोग। कुछ नहीं होगा अबू, लोग दो चार दिन तक बातें करेंगे फिर सब भूल जाएंगे। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो याद रखे हमारे साथ क्या हुआ। नहीं बेटा, तू सब अनेक को नहीं समझ सकती। मैं नहीं समझती, मगर अब्बू मैं इतना जानती हूँ आप हैं तो ही मैं और अम्मी, नहीं तो हम दोनों भी नहीं। हमारी खातिर आपको मजबूत होना है, इस दुनिया का सामना करना है। बोले अबू, करेंगे ना इस दुनिया का सामना, पहले की तरह मजबूत साहिबान बनकर देंगे ना तहफ़्फ़ुज़ हमें। बोले अबू, तो अगर आज आप टूट गए ना तो मैं भी खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। खुद को संभाल कर मुझे संभाल ले अब्बू, मेरी खातिर खुद को संभाल ले। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।